मजा नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपनी एक क्लास ले ली है, तो अभी मेरी जो दूसरी क्लास है वो मॉर्निंग सिग्नल नहीं होने की वजह से तो मुझे शाम को करनी पड़ती है, तो मैं शाम को 4 बजे से लेता हूँ। और जिसने भी अभी तक ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए पहले हम फटाफट से झाड़ू मार देते हैं, उसके बाद फिर आगे के काम करते हैं, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना कितनी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सफाई के ना होने की वजह से लगती हैं। तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है और डेली आपको भी करना चाहिए, हम तो करते हैं ना। चलिए तो सफाई बहुत ज़रूरी है। के बाद मैं पोछा मारूंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ झाड़ू मारूंगा तो जो बहुत माइक्रो जर्म्स होते हैं ना तो वो नहीं मरते हैं, बहुत छोटे छोटे से जो दिखते नहीं हमको कीड़े मकोड़े से, तो उनको हम लोग फिर पोछे के थ्रू मारते हैं, तो पोछा लगा के फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो पोछे का नंबर लगाएंगे। चलिए अब मैं अपने रूम पे लगा देता हूँ। एक्चुअली वो जो रूम था वो छोटा वाला रूम वो मेरी माता श्री का है और ये रूम मेरा है, तो अब हम इसमें झाड़ू मारेंगे। तो बने रहें ब्लॉग में, मैं मिलता हूँ आपसे झाड़ू लगाने के बाद। तब तक के लिए बाय। तो आप देख सकते हैं पोछा भी मारता हूँ यार, देखो चमक रहा है ना, एकदम साफ नीट एंड क्लीन है ना, चमक रहा कि नहीं चमक रहा देखो। तो आपको भी ऐसे ही साफ रखना है अपना घर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम पूरा पोछा मारने के बाद, और तब तक आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी हम लोग लंच कर रहे हैं आराम से, क्योंकि आज मैंने खिचड़ी बनाई हुई है। आज बहुत लेट में मैंने नाश्ता किया था तो भूख ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने हल्की सी खिचड़ी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस खिचड़ी में मैंने चावल, थोड़े टमाटर और न्यूट्रिला और थोड़े से आलू डाले हुए, तो अच्छी लगती है खिचड़ी मुझे, ऐसी पसंद है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है खाना हेल्दी खाइए, खाने में कोई कंजूसी मत करना। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं, आप लोग भी लंच कीजिए, मिलते हैं लंच के बाद, तब तक के लिए बाय। तो आज मेरे पास कुछ ऐसा खास था नहीं कुछ वीडियोस में डालने के लिए, कुछ भी ब्लॉग में कुछ ऐसा मैं डालूं नई चीज़ कोई डालूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डेली की दिनचर्या वही रहती है। तो अभी मैंने जस्ट क्लास ख़त्म करी, और क्लास ख़त्म करने के बाद 4 से 5 वाली जो मेरी क्लास ख़त्म हुई उसके बाद मैंने थोड़ी चाय बनाई अपने लिए और चाय पी के मैं जस्ट बैठा हूँ। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ बातें आपसे की जाए, तो
मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि जब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग मतलब बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग कभी सोचते हैं कि यार सपोर्ट करना चाहिए, फिर पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करना चाहते कि उनको लगता है कि यार हम लोग क्या करेंगे। देखो मैं आपसे 2 ही बातें कहूँगा, दो क्या चार बो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप किसी को सपोर्ट करो या मत करो, बट एक सही चीज़ जो है मैं आपको वो सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो अपने विचार हैं, मैं वो रखूँगा। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि हमें एक दूसरे को एक साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो है ना, पहाड़ हमारा पीछे क्यों है, वो इसीलिए पीछे है क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हमेशा कोई भी काम हो, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कैसा भी काम हो। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को करना भी चाहता है ना, तो वो पता है इस वजह से भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके आस पड़ोस के लोग या उसके गांव के लोग, उसके उस शहर के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ऐसी जो सोच हम हमारे बच्चों के अंदर या फिर हमारे आसपास के लोगों के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं उनके अंदर आती है, तो उस चीज़ को ख़त्म हम ही लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है। अब आज पहाड़ में ऐसा है कि अगर हम किसी रिलेटिव्स कोई अगर कोई रिलेटिव कुछ काम कर रहे हैं या कोई सपोज मान लो कि हम ही कुछ काम कर रहे हैं, तो पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें, मैं आप लोगों से एक बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हों। हमारे गांव में क्या होता है, कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि तू क्रिकेटर कैसे बन जाएगा, तू सचिन तेंदुलकर है क्या, तो सचिन तेंदुलकर बन सकता है, तो ये बन सकता है, तो वो, तो तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, है ना। उनको नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, उनकी सोच को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी ओर कोई बच्ची अगर डांस कर रही है तो हम क्या बोलते हैं, ये बेटा हमारा कल्चर नहीं है, ये बेटा हमारा ये नहीं है, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या वो बच्ची एक डांसर नहीं बन सकती, क्या वो बच्ची एक उस फील्ड में आगे अच्छा नहीं कर सकती, क्या उसमें लेडीज़ अच्छा नहीं करती, क्या उसमें लड़कियाँ अच्छा काम नहीं कर पाती हैं। है? तो कोई लड़का है अगर वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो हम उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हर किसी को सपोर्ट कीजिए, हर किसी इंसान को आप सपोर्ट कीजिए, क्या पता कब कौन कहाँ से क्या कर जाए, हमको नहीं पता। हमारा पहाड़ थोड़ा बहुत, मुझे लगता है, मेरी ये राय है कि शायद इसीलिए पीछे है, हम अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना सोचें और सपोर्ट करें, मोहब्बत के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, क्योंकि जो ताकत एकता में है ना, वो किसी में नहीं है। आज हम पहाड़ी इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम लोगों में कहीं ना कहीं एकता की कमी है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बट ऐसी सोच हमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरी बातों का बुरा ना माने, मेरा कोई अनावश्यक मेरा कुछ नहीं है आपसे कहना, बट प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इस बात को ध्यान रखें, और हम लोग सब एक हैं और हम सबको एक साथ चलना है आगे, और सभी को सपोर्ट कीजिए। कोई बच्चा आपके आसपास क्रिकेट भी खेल रहा हो, कोई लड़की डांस कर रही हो, तो उनको आप प्यार दीजिए, उनको आप सपोर्ट करिए, उनका आप हौसला बढ़ाइए, वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा। और थोड़ा बहुत मैंने दिन में खाना बनाया था, तो वही खाना मेरा बचा हुआ था, तो मैं वही खाना खाऊंगा क्योंकि मेरे दिन की खिचड़ी बच गई थी, तो वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं इसी को खाऊंगा, आज खिचड़ी खाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा मूवी भी देख रहा था मैं, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मूवी भी देख रहा था, तो और कोशिश कर रहा था मैं थोड़ा सा, आज वो कार्टून वार्टून कुछ बना रहा था, तो इससे कुछ कोशिश कर रहा था, तो कोशिश फ़िलहाल थोड़ी बहुत कामयाब हो पाई है, देखो क्या होता है। और अभी मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगा, कुछ पढ़ लूँगा, कुछ कोई भी बुक जो मुझे मिलेगी मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। बट मेरी मम्मी कहती है कि बचपन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, है ना, इतना अपने लिए मेहनत की होती तो कुछ होता नहीं होता। चलिए कोई नहीं, फिलहाल पढ़ाई करना अच्छी बात है, आप लोग भी पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहो। देखो मैं ये वीडियोस बनाने का और बाकी जो भी मैं कर रहा हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ, देखो मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अकेले हूँ तो दिन भर क्या करूँ। आप कितना पढ़ाई कर लोगे, कितनी आप किसी चीज़ की तैयारी कर लोगे, तो आपको कुछ टाइम तो ऐसा लगता ही है कि यार आप शायद बोरियत हो रही है, तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करने के लिए, मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और आप लोग सपोर्ट भी करें तो क्या पता शायद इसमें भी थोड़ी बहुत आगे तरक्की हो जाए, तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और खूब सारा शेयर करें, शेयर ज़रूर कर दें, आप ही के बीच से हूँ, कहीं दूसरे ग्रह से नहीं हूँ, तो आप लोग प्यार देंगे तो ही ये सब कुछ आगे मामला बढ़ेगा, तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो सभी से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक गरीब इंसान को थोड़ा सा यार फैला दो, है ना,
गरीब हैं हम भी आपकी तरह, तो फैला दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है, उसके बाद थोड़ी सी आपसे बात करूँगा और फिर उसके बाद गुड नाइट करेंगे, ठीक है? तो बने रहें ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय।